उज्जैन शहर में दिन ब दिन चेन स्नैचिंग और चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। देर रात 3 बत्ती चौराहे पर बाइक पर आए दो बदमाशों ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और स्टेशन की ओर निकल गए। मामले में नीलगंगा पुलिस सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाल रही है। उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर की सख्ती होने के बावजूद शहर में कई चोरियां और चेन स्नैचिंग की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व में भी हुई कई चेन स्नैचिंग का अब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। इनमें भाजपा नेता अनिल जैन निवासी कालूखेड़ा की पत्नी के साथ दशहरा मैदान में हुई चेन स्नैचिंग, नानाखेड़ा थाने में 2 चेन स्नैचिंग, इसके साथ ही रेलवे में काम करने वाले अधिकारी की पत्नी और जैन समाज की बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग के साथ कई चेन स्नैचिंग है जिनका खुलासा उज्जैन पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। इनमें कईयों में तो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिनमें आरोपी साफ तौर पर चेन झपटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वही ताजा मामले में देर रात संध्या जाधव निवासी एडवांस कॉलेज के समीप 3 बत्ती चौराहे पर करीब 7 बजे बाजार से पैदल घर जा रही थी, तभी आईसीआईसीआई बैंक के समीप गली में मुड़ने से पहले 2 बाइक सवारों ने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र खींच लिया और इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी पर सवार होकर रेलवे स्टेशन की ओर भाग गए। नीलगंगा थाना पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले हैं। अब देखना होगा कि उज्जैन पुलिस इस बार भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे चेन स्नैचर को पकड़ पाती है या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पीछे से बाइक वाले आए, दो चेन खींच के भाग गए। किधर गए? वो रेलवे स्टेशन। जी हाँ, मंगलसूत्र। क्योंकि मैं तो बाजार से सीधे आ रही थी घर जाने के लिए, अपनी गली में मुड़ने वाली थी यहाँ पर, और पीछे से आए और खींच के ले गए। संध्या यादव करके महिला है, यही एडवांस कॉलेज के पास रहती है। ये बाजार से अपने घर आ रही थी रोड क्रॉस करके, तो अज्ञात मोटरसाइकिल वाला है और उनके गले से मंगलसूत्र ले गए। अभी कैमरा वगैरह चेक करवा रहे हैं, फिर कार्रवाई करेंगे उस पर।